आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सर्दियों का एक अच्छा खासा रेसिपी जो है बैगन का भरता। तो बैगन का भरता के लिए लोग ज्यादातर क्या करते हैं, बैगन को रोस्ट करते हैं। मैं बिना रोस्ट किए हुए बॉईल करके मैं बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पानी डालेंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया, अब इसको ऑन कर देंगे। इसे 900 में रखेंगे। जैसे कि मेरा प्रेशर कुकर थोड़ा छोटा है तो मैं लीड ऊपर से लगाऊंगी। आप लोग का अगर प्रेशर कुकर बड़ा हो तो आप इसको ढककर पका सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ढकती हूँ। अब मैंने इसे ढक दिया है, कुछ देर के बाद ये उबल जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए क्या क्या मसाले चाहिए। तो पहले तो आपको इंग्रेडिएंट्स अकॉर्डिंग टू रेसिपी आपको नमक चाहिए, ठीक है। हमने नमक डाल दिया। अब हम डालेंगे हल्दी, चुटकी भर हल्दी। इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया थोड़ा ज्यादा ही दीजिएगा, टेस्ट आएगा। फिर थोड़ा सा पॉपी सीड्स, फिर जीरा पाउडर, फिर थोड़ा सा चाट मसाला टेस्ट के लिए थोड़ा सा डालेंगे। फिर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। बस यही हमारा मसाला है, ये जो भरते में पड़ेगा। ये हमारा भरते का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इंतजार करेंगे हमारा बैंगन कितना पक चुका है, चलिए देखते हैं। इसके लिए आप इस तरह के नाइफ ले लीजिएगा, चाकू, और इस तरह से आप पोर करके देखिएगा। अगर आपका चाकू अच्छी तरह से घुसता है तो ये धीरे धीरे पकने लगा है। तो हम अभी पकने का इंतजार करेंगे। देखते हैं कितना पक चुका है हमारा बैंगन। ये देखिए इस तरफ जब ऐसा रंग हो जाएगा तब आपको लगेगा कि ये पक चुका है, धीरे धीरे ये पकने लगा है। तो हम इसे पलट देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से पोर हो रहा है। तो ये और कुछ समय लगेगा, जितना समय लगता है एक बैंगन को रोस्ट होने के लिए उतना समय एक बॉयल में भी वही लगेगा। दोस्तों आप देखेंगे कि कैसे ये हो चुका है। देखिए ये आपका, आप फोकस कीजिएगा, ये जो इसका स्किन पिल होने का लायक हो चुका है। तो हम उतार के आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरा बन चुका है, अब हम इसको उतार लेंगे। चलिए हम उतार लेते हैं। ये हमने उतार लिया है, अब हम इसको पील करेंगे। मेरा ये स्किन कितना अच्छी तरह से पील हो रहा है, हम पील करेंगे इसको अच्छी तरह से, आराम से आसानी से। क्योंकि मैंने रोस्टेड क्यों नहीं बोला है कि रोस्टेड करने से क्या है कि आपको एसिडिटी भी हो सकती है। तो इसीलिए रात का समय है, डिनर में हम खाएंगे तो इसको हम बॉयल करके ही पील करेंगे। पील अच्छी तरह से हो जाएगा। तो पील करने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा पील हो रहा है। घुमा घुमा के हम पील करेंगे। स्किन अच्छी तरह से आपका निकल जाएगा आसानी से। इस तरह से बहुत सुंदर से निकल जाता है।
इसमें मेहनत भी ज्यादा नहीं लगती है, आपका हो जाता है। जस्ट थोड़ा सा आप पुल अप कीजिएगा, स्टीम इसका आराम से निकल जाएगा। ये हमारा पिल हो चुका है, अब हम क्या करेंगे इसको काट देंगे। ये देखिए ये हमारा बैगन को हमने कट कर लिया है, अब हम इसको प्रोसेसिंग में जाएंगे। अब हम इसको भूनेंगे तो पहले हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें देखिए मैंने वेजेस डाली है, जो है प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया और अदरक, सबको अभी डाल देंगे। साथ में ये मसाला भी डाल देंगे जो हमने मिक्स की है। अब हम इसको भूनेंगे। अब हम इस बीच में मटर डाल देंगे, हरे मटर को, ताकि टेस्ट अच्छा आए। देखिए हमने जो हरे मटर डाले हैं इसको थोड़ा बॉईल होने के लिए हम थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे, पर अब इसे ढक देंगे। अब हम इसे ढक देंगे लीड से और कम होना है। इस तरह से एक बाउल ले लीजिएगा, अगर आपके पास स्मैशर है तो स्मैशर यूज कीजिएगा, नहीं तो ऐसे बाउल के पीछे को आप यूज कर सकते हैं स्मैश करने के लिए, थोड़ा आपको ये जल्दी पक जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा ये कितना दूर पक चुका है। ऐसे देखेंगे मटर कितना बॉईल हो चुका है, मटर सॉफ्टली बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ये बैंगन को डाल देंगे, ये देखिए हम बैंगन को डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हल्दी कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया। और हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है, जितना आप अच्छी तरह से भूनोगे उतना ही फ्लेवर आएगा। यहाँ हमें इसे पूरा तरह भूनना है तो इसके लिए थोड़ा सा पानी। अब चलिए ये हमारा बन चुका है भरता, बैगन का भरता, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा यम्मी सा टेस्टी सा बैगन का भरता बन चुका है, मैं अभी सर्व करने वाली हूँ। आप रोटी के साथ खा सकते हो, राइस के साथ भी खा सकते हो, आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हो, आप किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हो। इस तरह से आप गार्निशिंग कीजिएगा। तो देखिए मेरा डिनर तैयार हो चुका है। आप इसे क्या भरते को, बैगन के भरते को रोटी के साथ खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो। देखिए बड़ा ही यम्मी सा लग रहा है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल में कमेंट्स कीजिएगा, लाइक ज्यादा से ज्यादा आए इस पे, मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ। तो धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए।